ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैंने बनाई है आलू की कतली इन अ ट्रेडिशनल वे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। अगर आपका कोई भी सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा है, आलू तो सबके घर में होता ही है, तो चलिए झटपट से बनाते हैं ये आलू की कतली। और इसको बस हम करेंगे थोड़ा सा गार्निश धनिए की पत्ती से। आप इसको चावल के साथ खा सकते हैं, पूरी के साथ, पराठे के साथ, सबके साथ ये मैच होती है। अगर आपको मेरा चैनल और रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन। एक कढ़ाई चढ़ाई है मैंने और उसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाला हुआ है। तेल जब हल्का सा गर्म होने लग जाएगा तो इसमें हाफ टी स्पून हम ज़ीरा डालेंगे और ज़ीरे को भी अच्छे से फ्राई होने देंगे। जब ज़ीरा थोड़ा सा फ्राई होने लग जाएगा तो मैंने ये दो चॉप किया हुआ ओनियन लिया हुआ है, इसको हम डाल देंगे। इसको भी अच्छे से फ्राई होने देते हैं। जब तक कि ये हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक इसको हम फ्राई करेंगे। अनियन जो है हमारे ब्राउनिश हो गए हैं। अब इसमें 1 टीस्पून हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको मैंने मिक्सी में पीसा नहीं है, इसको कूटा हुआ है। इससे जो टेस्ट है ये सब्जी का बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको मिक्सी में नहीं पीसेंगे, इसको हम हल्का सा दरदरा सा कूट लेंगे और इसके बाद इसको हल्का सा फ्राई होने देते हैं। जो इसका कच्चापन है वो निकल जाना चाहिए, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा इसके बाद मैंने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, रफली चॉप किया हुआ है, इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी तब तक हम चलाएंगे जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता है। तब तक इसको हम तेल में ऐसे ही चलाते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको ढक भी देंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाए। 1-2 मिनट के लिए इसको हमको ढकना है। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, अभी कुछ मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर। 1/2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिया हुआ है, धनिया पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, इसमें मसाले जो हैं बहुत कम जाते हैं, जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, चिली फ्लेक्स डाला है इसलिए लाल मिर्च बहुत कम लेंगे 1/4 लेंगे, हल्दी भी लेंगे हम 1/4 और ब्लैक पेपर जो है वो भी हम लेंगे 1/4। अब इन सब मसालों को अच्छे से चलाते हैं और इसको भी 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। इसमें भी थोड़े से जो टमाटर में जो भी थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो इस मसाले में हो जाएगी। बस इसको थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जो मसाले का जो अभी कच्चापन है ना वो अभी तक है इसके अंदर, तो जब हम चलाएंगे थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करेंगे तो ये कच्चापन भी निकल जाएगा और जो हमारे टमाटर हैं वो भी थोड़े और बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको भी हम ढक देते हैं और 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये देखिए तेल जो है वो मसाले से सेपरेट हो गया है, सब मसाले जो हैं वो अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे आलू, ऐसे गोल गोल काटे हैं मैंने, ये इसी शेप में अच्छे लगते हैं। बस इसको डाल देना है और अच्छे से चलाना है, इसको हम अच्छे से चला देते हैं। अभी इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, अभी इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे इसके अंदर, क्योंकि जो आलू है उसके अंदर भी सारे मसाले जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएं, उसके बाद जितना हो सकेगा उतना पानी डालेंगे, या अगर नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी नहीं भी डालेंगे। ऐसी सूखी सब्जी भी ये बहुत अच्छी लगती है। इसके अंदर अब डालेंगे हम नमक, क्योंकि हमने नमक ऐड नहीं किया था ना, तो अब इसके अंदर नमक ऐड करते हैं। ऐसे तो आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं, मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ले लीजिएगा। अब इसको भी एक बार अच्छे से चला देते हैं और लो फ्लेम पे इसको 10 से 15 मिनट तक होने देते हैं ताकि ये अच्छे से गल जाए। ये देखिए आलू हमारे अच्छे तरीके से गल गए हैं
और जो तेल है वो भी सेपरेट हो गया है मसालों से, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अगर आपके घर में मेंबर कम है तो आप इसमें ग्रेवी मत लगाइएगा। ये मैंने चार लिए थे आलू, चार से पांच छोटे आलू ले लीजिएगा तो इतनी क्वांटिटी की आपकी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। और अगर ग्रेवी नहीं लगाना है तो आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, और अगर ग्रेवी इसमें पसंद करते हैं तो ऐड कर दीजिएगा थोड़ा सा पानी इसमें। मैं ऐड करने जा रही हूँ पानी, जो हम चाय का कप है उससे मैंने एक कप पानी इसमें ऐड किया हुआ है। पानी जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है, अगर डालना है पानी तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी ये बहुत अच्छी होती है। एक बार पानी में बॉईल आने देते हैं और उसके बाद इसको सर्व करते हैं। दो मिनट के लिए इसको बॉईल आने के लिए वेट करते हैं। आलू की सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। इस स्टेज पे हम गैस को ऑफ करते हैं और गार्निश कर देंगे इसको धनिया की पत्ती से। ये देखिए, बस इसको ढक देते हैं और हमारी ये आलू की सब्जी जो है वो बनके तैयार हो गई है।